सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग बता दो सो so, सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा सलाम सभी को मेरा जय हिंद है मेरे प्यारे भाइयों जैसा आपको पता है एक नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है एक नया दौर आ चुका है जी हाँ जिसका नाम है क्लच जिसका नाम है क्लच क्लच को अगर सही मैनर में अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है फॉर गेट एग्जामिनेशन फॉर आई एग्जामिनेशन अरे यार आई के नॉन टेक्निकल तक में इसका क्वेश्चन देखने को मिला है 2016 में 2016 में तुम जाकर देखो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका ट्रिक जिनका जुगाड़ सारा अपने पास है मतलब पूरी हैकिंग है क्लच की आज ना दिस इज द प्रैक्टिकल क्लास अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों ने आ, थंबनेल पे बाकायदे देख लिया होगा हाउ ए क्लच वर्क विथ एनिमेशन विथ एनिमेशन वर्ड का यहां यह मतलब है कि हम हर एक क्लास अब एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे ठीक है ना ध्यान रखिएगा अब ज्यादा से ज्यादा क्लासेस जो होंगी सारे के सारी क्लासेस प्रैक्टिकली आपको यहाँ फील होनी चाहिए ताकि आपको मजा आए पढ़ने में चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आज के अपने इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कई सारे ये क्लच प्लेट्स वगैरह छोटे छोटे देख पा रहे होंगे जिससे हम लोग यूज करते हैं जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं तो फटाफट चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन में कि भाई एनिमेशन के थ्रू हमें आज सीखने को मिलेगा कि क्लच क्या है कितने टाइप के क्लच होते हैं काम कैसे करता है ठीक है ना चलिए शुरुआत करते हैं या क्लच को अब हैक करना रह गया बिल्कुल मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो हेलो एवरी वन दिस इज आलोक फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग

तो हम आज वेडनेसडे से अभी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है ना तो कल से स्टार्ट होगा स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास में बात कर रहा हूं इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप यहाँ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमारे साथ यहां जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड आलोक लाइव यूज कर सकते हैं लोक लाइव है तो सही में सब पॉसिबल है यू कैन सी दिस मैजिकल लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस बोलकर अपने डाउट क्लियर करो भाई वीकली टेस्ट एंड क्रैश कोर्स ऐसा इंडिया में ये पहला ऐप है जिसके अंदर आप बोलकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से आइकॉनिक के अंदर अगर हम बात करना चाहूं आइकॉनिक के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहां प्लस का इसके साथ साथ पर्सनल कोच देन स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट स्टडी प्लानर बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है सिर्फ एक कोड आलोक लाइव लगाकर अगर मैं बात करना चाहूं डियर हमारा अगला बैच जो आ रहा है वह है ट्वेंटी फाइव या पच्चीस अगस्त से आ रहा है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो शानदार तरीके से यू कैन सी दिस कोड है आलोक लाइव बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने का प्लान ये है आलोक लाइव कोड लगाओ और फटाफट सब्सक्रिप्शन पाओ आइकॉनिक में भी कुछ इसी तरीके से बारह अट्ठारह और चौबीस का प्लान है कोड लगाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी डॉट कॉम स्लैस एट द रेट आ लाइव पे आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं डियर फॉलो करने के बाद क्या होगा आप मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे जहाँ मैं क्वेश्चन सीरीज अभी करवा रहा हूँ लेकिन कल से स्टार्ट कर रहा है एक नया सब्जेक्ट दैट इज फ्लूड मैकेनिक्स नाउ पासवर्ड क्या है डियर पासवर्ड है आलोक लाइव पासवर्ड क्या है डियर पासवर्ड इज व्हाट पासवर्ड इज आलोक लाइव है ना आलोक लाइव पासवर्ड लगाकर आप मेरी प्रिय स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं स्पेशल क्लास में जो है आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देखने को मिलता है पोल देखने को मिलता है आपको लेक्चर नोट्स देखने को मिलता है लेक्चर नोट डाउनलोड कर सकते हो आप और कभी भी देख सकते हो एनी टाइम एनी वेयर ठीक ना अनकेडमी कॉम्बैट का हिस्सा बनो मेरे भाइयों एवरी संडे मॉर्निंग एलेवन ए एम और एक चीज को और ध्यान रखना है अनकेडमी कॉम्बेट जो ट्वेंटी है वो मेगा होने वाला याद हो जाएगा। है आलोक ध्यान दो दिन का और ऑफर रह गया खत्म कर दिया जाएगा उसके बाद तो मेरे प्यारे भाई अगर आप लेना चाहते हो सही में अगर आपको ऑफर चाहिए अट्ठाइस महीने का सब्सक्रिप्शन या चौदह महीने का सब्सक्रिप्शन फोर्टीन मंथ का तब ले लो ठीक है ना ध्यान से कोई ना अप्रप्रोप्रिएट कॉन्टेंट लगे तो हमें जरूर बताइए ध्यान से कोड है आलोक लाइव ठीक है आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है डिजाइन मेरी जान है चलो भाई एंड uh, ये हमारा स्पेशल क्लास में चल ही रहा है सेवन थर्टी पीएम ठीक है ना चलिए एंड सीरीज ऑन वर्चुअल कैलकुलेटर जो है बेटा ये थ्री पीएम आपका चल रहा है तीन बजे चलिए शुरुआत करते हैं क्लच की सभी लोग आ गए हैं अरे वाह वेरी गुड आशा किया था मैंने कि आएंगे बच्चे देखो अटेंडेंस बनाओगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है याद रखना चलो भाई क्लच की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से ये क्लच होता क्या है क्लच होता क्या है लगा कहां होता है तुम्हारे मन में आ रहा होगा है ना टेंशन लो फुल्ली एनिमेटेड क्लास है एनिमेटेड क्लास है, देख रहे हो ना मैंने लिखा हुआ एनिमेशन देख रहे हो ना फुल्ली एनिमेटेड क्लास है दिख रहा है ना क्लच तो मजा बहुत आने वाला है बस मैं यही कहूंगा थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा फोकस से पहले शुरुआत करते हैं वट इज क्लच? क्लच? क्लच क्या है अच्छा अब जरा सुनना मेरी बात थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं समझाते हैं फिर इस लेकर चलते हैं आपको एनिमेशन क्लच तुमने एक चीज सुना होगा तुम्हारे तुमने इंजन देखा जी सर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा मशीन देखा यस सर मशीन देखा क्या था वो सर वो मशीन कुछ ऐसा था यहां सिलेंडर था इसके अंदर पिस्टन था थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा चलो फिर यहां कनेक्टिंग रॉड लगा था फिर यहां क्रैंक लगा था है ना? तुमने यही तो देखा था जी सर हमने तो यही देखा था जी दिस इज द सिलेंडर, ये सिलेंडर है जो कि फिक्स होता था है ना? और ये पिस्टन है ये कनेक्टिंग रॉड ये क्रैंक ये आईसी इंजन है ये क्या है बेटा आईसी इंजन जी सर इंजन ना यहां तक नहीं होता इंजन ना मैं आपको बताता हूं आगे देखो ये क्या है बेटा सर दिस इज द क्रैंक दिस इज क्रैंक देखो अब क्रैंक का ना एक साफ्ट होता है बच्चा लोग सुनना मेरी बात ये देख रहे हो जब क्रैंक रोटेट करता है ना तो उसका साफ्ट रोटेट करता है ठीक है सो दिस इज व्हाट दिस इज द साफ्ट दिस इज वॉट दिस इज साफ्ट मतलब मैं इसको वर्टिकली नहीं बना सकता हूं ये बोर्ड से वर्टिकल है परपेंडिकुलर है बट मैं इसको साइड में दिखा सकता हूं ठीक है दिखा देते हैं साइड में ये क्या है बेटा सर इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्रैंक साफ्ट ठीक है सर अब थोड़ा ध्यान से देखना क्रैंक साफ्ट के ऊपर में क्या लगा होता है बताया कोई मुझे क्रैंक साफ्ट के ऊपर में क्या लगा होता है कमेंट बॉक्स में लिखो ये क्या है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ ये क्या है वट इज दिस ठीक है अब फिर जो भी है इससे आगे गया अच्छा क्रैंक साफ्ट ही हमारा क्या होता है बेटा मेन साफ्ट होता है, है कि नहीं हमारे इंजन का मेन साफ्ट तो यही है जी सर अब गाड़ी को स्पीड में भगाना कम करना ये हमारे हाथ में था जी सर इसका यूज क्या है पहले बताओ ये, ये है क्या सर दिस इज फ्लाई व्हील क्रैंक साफ्ट के ऊपर ही तो लगा होता है तभी तो एनर्जी स्टोर करता है और डिलीवर करता है जब जरूरत पड़ती है, है कि नहीं ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही तो लगा होता है यू कैन सी दिस अब ये मेन शाफ्ट फ्लाई व्हील को चीरता हुआ आगे जाता है मेन फ्लाईविल को चीरता हुआ आगे जाता और जाकर कहां अटैच हो जाता है इसके ऊपर एक गियर लगा होता है क्या लगा होता है ये गियर और इससे कई सारे गियर आपस में छोटे छोटे बंधे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गियर बॉक्स गियर बॉक्स का क्या काम है कोई तो बताएगा सर गियर बॉक्स में स्पीड का वेरिएशन करते हैं गियर के होने से गियर चेंज करने से हम लोग स्पीड का तो करते हैं ना, लोड के अकॉर्डिंग, जी सर। so, मेरे प्यारे भाइयों स्पीड बढ़ाते यही सब काम है ना। जी सर। अब एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना बहुत ही मतलब जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं एकदम बच्चे की तरह ऑटोमोबाइल समझने की कोशिश करो क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हो समझो मेन साफ्ट डायरेक्ट जाकर कहां कनेक्ट हो गया बेटा दिस इज गियर बॉक्स का साफ्ट दिस इज लाइन साफ्ट ट्रांसमिशन साफ्ट जो बोलना चाहो तो गियर बॉक्स के साफ्ट के साथ मेन साफ्ट डायरेक्ट कनेक्ट है जी सर अब हुआ क्या एक साइंटिस्ट ने एक, एक बढ़िया से कार बनाई मान लो ठीक है ना एक एक बढ़िया सी कार बनेगी ठीक है ना ध्यान से ठीक है ना थोड़ा ध्यान से देखो क्लियरेंस ज्यादा नहीं ठीक है ना एक बढ़िया सी कार बनाई सुनना मेरी बार कार बनाई बाइक बनाई तुम्हारी जो इच्छा करे वो बना लो कोई दिक्कत ना ठीक है ना आप लो भाई कार का ये खिड़की रख दी है कार इसलिए बना रहे क्योंकि मैं एनिमेशन कार का लेके आया हूं ध्यान हूँ चलो तो एक ने बढ़िया सी कार बनाई अब हुआ क्या दो दोस्त की कहानी सुनिएगा थोड़ी कहानी सुन के जाइएगा मेरी दो दोस्त की कहानी एक ने बढ़िया सी कार के अंदर आ ये ये जो सिस्टम है ना इसको फिट कर दिया जी अब हुआ क्या उसने जो है ना यहां जैसे उसका मेन साफ्ट उसका मेन शाफ्ट का स्पीड ये उसका मेन शाफ्ट है ना तो उसके मेन शाफ्ट कहां से मिल रहा है उसको स्पीड इस क्रैंक से मेन शाफ्ट को स्पीड कहां से मिल रहा है क्रैंक से जी सर क्रैंक का जो स्पीड है उसने क्या रखा उसने रखा 200 rpm अब तुम कहोगे बड़ा कम है सर मैंने मान लिया 200 rpm है मेरी बातों को ना फोकस से सुनो बहुत मजा आने वाला सीरियसली क्रैंक का स्पीड इस इसने मान लिया 200 rpm रख दिया और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया किससे गियर बॉक्स से और मैं मानता हूं कि गियर रेशियो अगर टू है अगर गियर रेशियो टू है तो यहां जो है पावर का स्पीड का दो गुना हो जाएगा अगर गियर रेशियो टू है तो स्पीड का दो गुना हो जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा दो गुना हो जाएगा तो यहां स्पीड जो मिलेगा इसको चार सौ मिलेगा मानते हो बात जी सर मान गए चलो अब आपको तो पता ही है कि गियर बॉक्स में बहुत सारे गियर होते हैं है ना एक ही लाइन साफ में बहुत सारे गियर होते हैं जैसे हम ट्रांसमिशन करते हैं कैसे होते हैं सर देखो कैसे होते हैं सर देखो ये ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देख रहे हो ना कई सारे गियर है गियर बॉक्स में कई सारे गियर होते हैं जी सर होते हैं जब गियर बॉक्स में कई सारे गियर होते हैं मेरे भाई तो गियर शिफ्ट करते हैं ये देखो गियर शिफ्ट कर रहे हैं ये वही तो है जो हाथ में लेगा ऐसे इसे इसे खींचते रहते हो ठीक है ना यू कैन सी दिस सी दिस तो गियर बॉक्स में तो बहुत सारे हैं जी सर हैं चलो पीछे आओ पहले अभी हम एनिमेशन बाद में देखेंगे पहले समझो अब हुआ क्या अब हुआ क्या आ, इसका नाम रख देते हैं इसका क्या नाम रख दिया जाए चिंटू चिंटू के गाड़ी थी चिंटू बढ़िया गाड़ी चला के जा रहा था बबलू से बात करने बबलू देख 200 सौ आरपीएम चिंटू और बबलू दोनों रिसर्चर हैं ध्यान से नाम मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं, तो चिंटू बबलू दे रहा हूँ चिंटू कहता है बबलू देख 200 rpm आरपीएम की स्पीड आ रही थी तेरे भाई ने 400 कर डाला कहता अच्छा कहता हां कहता देख मेरी गाड़ी 400 पे चल रही है बगल में बबलू बैठा है सीट पे कह देख मेरी गाड़ी 400 पे चल रही है कह रहा अच्छा इतनी बड़ी बात है कहता तूने क्या किया तो कहता भाई मैंने गियर बॉक्स लगाया कह अच्छा फिर बबलू कहता है भाई कहता भाई गियर बॉक्स में तूने गियर रेशियो टू रखा कहता हाँ कह रहा तू और स्पीड बढ़ा सकता है कहता हां बढ़ा सकता हूं समझ में आया कहता हां बढ़ा सकता हूं कैसे बढ़ा सकता है कर भाई गियर शिफ्ट कर देंगे स्पीड बढ़ जाएगी कहा अच्छा अच्छी बात है यार तो अगर मान लो गियर रेशियो थ्री हो जाए अगर ये गियर मेन साफ्ट पे जो गियर लगा है अगर वो स्पेस शिफ्ट हो जाए ठीक है ना अभी बबलू के अभी चिंटू के कार में गियर नहीं है अभी चिंटू कार में गियर शिफ्टर नहीं लगा है ठीक है ना बस लगा हुआ है गियर ऐसा समझो चिंटू को ध्यान आता है रहे? हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है अगर मैं एक बड़ा गियर लगाऊं जिसमें गियर रेशियो थ्री हो तो, तो मैं दो का छह घूमूंगा ये बात सही है चिंटू चिंटू जो है बबलू की बात भाप गया फिर अगले दिन घर पे गया फटाफट गया भागता हुआ कहता है मम्मी मैं गियर कर गया क्या बड़ी अच्छी बात है बेटा बड़ी अच्छी बात है लो लो भाई सिक्स हंड्रेड आरपीएम चिंटू फिर से आया बबलू पास कहता भाई अब सिक्स पे घूम रही है क्या बड़ी अच्छी बात है यार अच्छा फिर बबलू ने बोला कि भाई तू चार कर लेता तो चिंटू अगले दिन आठ सौ लेके आ गया भाई साहब कहता ठीक है भाई चल कहीं लेकर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जब आराम से दोनों बैठे कार में और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए बबलू कहता है चिंटू से भाई स्पीड बढ़ा कहां से बढ़ाऊं भाई स्पीड बढ़ा कहा कैसे बढ़ाऊं गियर शिफ्टर तो है ही नहीं स्पीड कैसे बढ़ जाएगा तो फिर उनको याद आ रही यार स्पीड बढ़ाने के लिए गियर शिफ्टर भी तो होना चाहिए गियर शिफ्टर और उसके बीच में जो गियर के गियर बॉक्स के बीच में जो कनेक्शन होता है साफ्ट के बीच में वो होता है हमारा स्थेरिकल पेयर का क्योंकि आप ऐसे ऐसे खूब घुमाते हो ठीक है ना वहां स्टेरिकल पेयर लगा होता है अच्छा हाँ मैं क्या बात कर रहा था मैं ये बात कर रहा था कि भाई एक चीज देखो जरा ध्यान से अगर मान लो इस ये मेन साफ्ट का जो गियर है बेटा रोटेट कर रहा है जी सर मेन साफ्ट का गियर रोटेट कर रहा है ये भी रोटेट कर रहा है जी सर दोनों रोटेट कर रहा है डन लेकिन अगर मान लो मान लो कि हमें क्या करना रहे हमें गियर बॉक्स में गियर शिफ्ट करना रहे मान लो मेरा गियर अब ये रहा ठीक है ना ध्यान से देखना मेरा गियर ये रहा मेन साफ्ट को इस पर शिफ्ट करना है बेटा ये मूवेबल है मेन साफ्ट ऑलवेज मूवेबल होता है ऑलवेज मूव करता है बोलो हाँ या ना मेन शाफ्ट हमेशा घूमता है हमेशा रोटेट करता है मेन शाफ्ट तभी बंद होगा जब इंजन बंद होगा बात समझ में आई जैसे चिंटू बाइक चला रहा है जी सर तो चलाता ही रहेगा अगर उसको गियर शिफ्ट करना है तो बाइक रोकना पड़ेगा क्यों देखो मेन शाफ्ट हमेशा रोटेट कर रहा है और दूसरा वाला गियर क्या है बेटा स्टैटिक है ठीक है भाई एक मूवेबल पार्ट को एक स्टैटिक पार्ट पे जब आप एक साथ चिपकाओगे तो समझ रहे हो क्या होगा नहीं सर नहीं समझ रहे हैं। चलती बस से चलती बस से अगर डायरेक्ट उतरने की कोशिश करो क्या होता है सर मुंह फूटता है है ना चलती बस से अगर डायरेक्ट तुम सरफेस पे जमीन पे पैर रख दो उतरने की कोशिश करो करते हैं कुछ लोग कैसे करते हैं पकड़ते हैं और फिर दौड़ते हैं फिर उतरते हैं करते हैं ना क्यों सर अपने आप को मूवेबल कंडीशन में लाता है अगर एकाएक स्टैटिक उतर के दिखाओ मुझे समझ में आ जाएगा क्या होता है सो माय डियर फ्रेंड अगर कोई पार्ट मूवेबल है कोई पार्ट स्टैटिक है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में करोगे तो दिक्कतें आएंगे ठीक है ना सो so, मेरे प्यारे भाई अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में करते हो जैसे आप लोग बाइक जो नौसिखिया होते हैं जो बाइक चलाते हैं बिना क्लच लिए जो गियर शिफ्ट कर देते हैं आवाज आती है खट्ट सी आती है कि नहीं आती है जैसे बताओ जब आप नए नए होते हो बाइक चलाने में जब आप यूं घुमाते हो और जब शिफ्ट करते हो गियर बिना क्लच दबाए भूल जाता है ना भूल जाता है कि क्लच नाम का भी कोई चीज है फिर ना सीधे गियर शिफ्ट कर देता है आवाज आती है बिल्कुल आती है सर क्यों आती है सर मूवेबल पार्ट स्टेटिक पार्ट पे कूदेगा तो आवाज तो आएगी ही वो तो इंजन है अगर हम बस चलती बस से नीचे उतरने की कोशिश करें तो मुंह तो फूटेगा ही सच बात है ना ठीक है ना वही चीज मैं यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बबलू ने चलती कार में बोला भाई शिफ्ट कर गियर क्या भाई कैसे कर दू ये तो मूवेबल है ये स्टैटिक है टूट जाएगा ऐसे तो क्या बात तो सही है फिर चिंटू बड़ा सोचा बहुत दिन सोचा बहुत देर सोचा कह यार बात तो उसने सही कहा कह यार चलती कार में अगर मुझे गियर शिफ्ट करना है तो मुझे इस मेन साफ्ट को रोकना पड़ेगा कहते मेन साफ्ट कैसे रुक जाएगा इंजन ऑफ करेंगे गाड़ी रुक जाएगी यार मुझे एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा ना जो इसको कुछ देर के लिए कुछ सेकंड के लिए इसको रोक सके कोशिश करे कि इसका मोशन रोक सके फिर मैं फटाक से गियर शिफ्ट करूंगा और फिर इस पर पकड़ के मैं चलाना चालू कर दूंगा हाँ तो क्या करें इसको काट दो क्या करें इसको काट दो इनका रिश्ता तोड़ो ये जय और बीरू का जो रिश्ता लिए बैठे हैं इनको हटाओ भाई फिर यहां क्या हुआ यहां कहा गया चिंटू बहुत सोचने के बाद यहां एक अरेंजमेंट लेकर आया चिंटू बहुत सोचने के बाद यहां एक अरेंजमेंट लेकर आया जिसके अंदर आप देख रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं आपको लग रहा होगा ये क्या है भाई चिंटू एक अरेंजमेंट लेकर आया चिंटू एक अरेंजमेंट बनाकर लेकर आया ठीक है ना अब चिंटू के अरेंजमेंट जब बनाया तो इसके अंदर खूब सारे टीथ रख दिए हाँ सर बहुत अच्छे जब इसके अंदर खूब सारे टीथ रख दिए अब ये अरेंजमेंट क्या था चिंटू ने एक सिस्टम बना लिया कि जब इसको दबाएगा तो यह डिस और जब इसको छोड़ देगा ठीक है ना तो इंगेज हो जाएगा जैसे क्लच को जब दबाते हैं तो क्लच डिसेज हो जाता है और जब छोड़ते हैं तो इंगेज हो जाता है जी सर तो अपन क्लच दबाएगा तो चिंटू इस बार गाड़ी में जा रहा था बबलू के साथ बबलू कहता भाई स्पीड चेंज कर ले भाई दबाया क्लच दबाया क्लच दबाते डिस हुआ ये स्टैटिक हुआ इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया भाई मस्त एकदम कनेक्शन हो गया फिर इसको जोड़ दिया बबलू कहता बहुत अच्छी बात है भाई हुआ क्या तो भाई चिंटू ने गाड़ी से उतर के बताया देख भाई मैंने ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्लच इसका नाम क्लच क्यों पड़ा इसकी भी कहानी है पता है ये हम ये एक डिवाइस बनाया जिसका नाम क्लच है कहते है भाई तेरे क्लच में तो तीथ है कहता है हाँ मेरा क्लच जॉक क्लच है कि मेरा क्लच जॉक क्लच है कहता अच्छा के भाई कोई पावर ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता कहता कभी नहीं लॉस होगा अच्छा तो मतलब ये पॉजिटिव क्लच है जी ऐसे क्लच को क्या कहते हैं पॉजिटिव क्लच जिसमें कोई पावर ट्रांसमिशन का लॉस ना हो मतलब ये जॉ है और ये जॉ है तो ये दोनों ऐसे सटक अंदर घुस जाएंगे और एकदम बाहर निकल जाएंगे चिंटू अब बबलू कहता है भाई अगर मान ले थोड़ा सा क्योंकि साफ्ट का मिस अलाइनमेंट तो होता रहता है मानते हो कि नहीं मानते हो साफ्ट का मिस अलाइनमेंट तो होता ही रहता है जी सर बबलू कहता है चिंटू सर भाई अगर मान ले अभी तो साफ्ट एकदम सेंट्रिक है तो एकदम मस्त अंदर बाहर हो रहा है मान ले साफ्ट का थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो जाए होता रहता भाई होता है ये तो कॉमन है गाड़ियों में होता है ऑटोमोबाइल में खराबी तो ऐसे ही आती है ना साफ्ट अलाइनमेंट हो जाए कहता हाँ तो कह रहा अलाइनमेंट होगा अब तू लगा क्लच ये क्या हो गया टकरा गया ना टकरा गया ना हाँ साफ्ट का अगर मिस अलाइनमेंट होगा तो जो आपस में टकरा कर टूट जाएंगे अब तेरी गाड़ी सारी की सारी खराब हो जाएगी बात समझ में आया डियर फ्रेंड जॉ क्लच इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्लच की दुनिया का सबसे पहला क्लच जिसको हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव क्लच नाम है जॉ क्लच सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा क्योंकि क्यों मिस अलाइनमेंट के कारण इसका स्थिति इस खराब हो सकता है चिंटू बहुत सोचा सारा ज्ञान कौन दे रहा है बबलू आ, सोच कौन रहा है चिंटू चिंटू बहुत सोचा कि यार क्या करें फिर वो गया घर बहुत सोचा बहुत सोचा फिर कहता यार एक काम करते हैं एक काम करते हैं दो स्मूथ प्लेट लगा देते हैं फिर उसके दिमाग में स्मूथ प्लेट लगाएंगे तो ये स्लिप तो करेगा ही हां एक काम करते हैं यार स्मूथ प्लेट नहीं लगाएंगे ये जो प्लेट का ये वाला सिरा है ना ये जो प्लेट का ये वाला सरफेस है ना कुछ ऐसा होगा जिसमें हम लोग एकदम छोटे छोटे फ्रिक्शन रखेंगे चिंटू कहते हैं यार प्लेट का जो एक सिरा होगा ना उस उसपे हम लोग डॉट 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 में फ्रिक्शन रखेंगे कैसे कैसे रखेंगे आप लोगों ने एमरी पेपर देखा है जिससे हम लोग रॉड को घिस घिस के एकदम चमकाते हैं जिसमें जंग लगा हुआ रॉड एमरी पेपर देखा है अरे बिल्कुल देखा होगा यार तो उसमें आपने देखा है छोटे 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 नन्हे मुन्ने नन्हे मुन्ने डॉट्स जिससे फ्रिक्शन डेवलप होता है देखा है ना बस तुम यही सोच लो चिंटू वही लेकर आ गया तुम वही सोच लो चिंटू ये लेकर आ गया जी सर बस चिंटू ये लेकर आ गया चिंटू यहां लगा दिया जब गाड़ी चलाए मस्त एकदम एंगेज और डिसंगेज करे फिर बबलू पूछता भाई अब तुमने क्या किया कहता मैंने जौ हटा दिया कहता अब तुमने क्या लगाया कहता देख मैंने क्या क्या ना एक सर्कुलर प्लेट ले लिया जिसके ऊपर छोटे 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 डॉट्स रख दिया कहता अच्छा कह रहा है इससे क्या होगा कहता भाई देख इससे फ्रिक्शन मिलेगा है ना कहता हंड्रेड परसेंट पावर ट्रांसमिट होगा कहता भाई देख पावर तो ट्रांसमिट होगा हंड्रेड परसेंट बट एक समय आएगा जब ये फ्रिक्शन प्लेट जो होगा ना फ्रिक्शन प्लेट ये हल्का 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 घिसना शुरू हो जाएगा जाहिर सी बात है यार छोटे छोटे डॉट दिए हो तो घिसेगा ही ना कभी ना कभी बिल्कुल तो उसी दिन तेरा क्लच प्लेट खराब हो जाएगा याद रखियो जी सर तभी तो कार का जाते हैं कभी तो बाइक का जाते हैं क्लच प्लेट चेंज करवाने क्लच प्लेट भी खराब होता है याद रखिएगा तो क्लच प्लेट खराब हो जाएगा कहता अच्छा भाई देख कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है कहता क्या गड़बड़ बहुत कम फ्रिक्शन है जहां जो क्लच में इतना तगड़ा फ्रिक्शन था कि ये डायरेक्ट फंस जा रहा था बट इस क्लच में उतना खतरनाक फ्रिक्शन नहीं है तो चिंटू ने कहा इसको हम लोग कहेंगे प्लेट क्लच हम कहेंगे क्या प्लेट क्लच और ये होगा हमारा क्या नेगेटिव क्लच नेगेटिव किस लिए थोड़ा बहुत लॉस होगा ये हम मान के चलते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव दुनिया का दूसरा क्लच बना नेगेटिव क्लच बना जिसको हम कहते हैं प्लेट क्लच अब प्लेट में सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट बहुत सारा आएगा सुनना मेरी कहानी तुमने मेरी सुन ली ना चिंटू और बबलू की मैं गारंटी देता हूं थ्योरेटिकल कैसा भी क्वेश्चन आए तुम उड़ा कर आओगे गारंटी देता हूं ठीक है चिंटू है भाई प्लेट क्लच बन गया और इतिहास में आज भी हम प्लेट क्लच ही यूज करते हैं जॉ क्लच नहीं ठीक है अब हुआ क्या कि भाई इसका एक समरी होना चाहिए मैंने कहा अच्छा कि हाँ भाई एक समरी तो बनता है हाँ मैं इससे करूं इससे करते हैं ज्यादा मजा है तो भाई इसका एक समरी करते हैं आओ लाइबिल थोड़ा बाहर जा रहा समरी ये किया गया समरी कुछ ऐसे किया गया ये इंजन है ये गियर बॉक्स है गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिशन कहते हैं जी सर ये इंजन है ये गियर बॉक्स है तो इंजन को गियर बॉक्स से देख लो ध्यान से थोड़ा मैं लिख देता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा ये इंजन है मतलब डिवाइस निकल के आया जिसका नाम था क्लच ठीक है ना जिसको बनाया किसने था चिंटू ने अभी नाम बताऊंगा चिंटू क्या है इंजन को गियर बॉक्स से कनेक्ट करने वाला एक डिवाइस बन गया जिसका नाम था क्लच ठीक है ना जिसमें हम मेन साफ को कभी भी इंगेज और कभी भी डिसेज कर सकते हैं जब आप क्लच दबाते हैं तो क्लच डिसेज हो जाता है गाड़ी फ्री टू मूव हो जाती है आपने देखा होगा कई सारे लोग क्लच दबा देते हैं बाइक का वो जो चाबी होता है उसको बंद कर देते हैं अरे बस तेल मत खाओ अब क्लच दबा दिया बाइक फ्री टू मूव होती है मस्त जैसे आ गए ना जैसे मान लो एक किलोमीटर आगे घर है चाबी बंद किया क्लच दबा के खड़े हैं बस धीरे 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 एनर्जी जो स्टोर है वो वहां तक जाकर रिलीज हो जाती है ठीक है ना सो डियर फ्रेंड इंजन को गियर बॉक्स से अलग करने वाले डिवाइस जैसे नाम है क्या क्लच इतना कहते ही मेरे दिमाग में एक बड़ी बात याद आई मैंने कहा क्या कहते इंजन का ई e, क्लच का सी और गियर बॉक्स का जी इंजन का ई e, क्लच का सी गियर बॉक्स का जी यही कहलाता है हमारी ऑटोमोबाइल का ईसीजी एक हमारे शरीर का ईसीजी रिपोर्ट, रिपोर्ट होता है e एक ऑटोमोबाइल का ईसीजी रिपोर्ट होता है ई सी जी ठीक है ना एक अपने बॉडी का ईसीजी रिपोर्ट होता है पता है ना ईसीजी कराते हैं हम लोग ठीक है ना बहुत कम लोग कराते हैं मतलब कराते हैं चालीस पैंतालीस साल का जब एक बार करा लेना ई e सी जी ये हमारी गाड़ी का ई है समझ में आया ई सी जी समझ में आया आया ना तो चिंटू बबलू की ये कहानी अब मैं आपको एनिमेशन में दिखाना जा रहा हूं तो मैं पहली बात बात कि तुमको ये बात समझ में आई अब चिंटू और बबलू के कहानी में तुम्हें तो एनिमेशन में दिखाने जा रहा हूं तुमसे तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कनेक्शन और डिस्कनेक्शन मतलब आपको कह लो तो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होने का पूरा संभावना रखता है उसका नाम है क्लच ठीक ना

इतनी बात सभी को समझ में आ गई एक बार अंधाधुन बरसात कर दोगे कमेंट बॉक्स में अंधाधुन बरसात कर दोगे कमेंट बॉक्स में इतनी बात समझ में आ गई इंजन का ई क्लच का सी एंड गियर बॉक्स का जी आ गया ना समझ में चलो भाई आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ थोड़ा अब डिटेल में चलते अब देखो चिंटू अपनी कार में है मस्त जा रहा था घूमने तो जाओ भाई घूमने चिंटू ने बकायेदे ऐसे गियर शिफ्ट करना था कर दिया थोड़ा सा ठीक है अब सुनो मेरी बात ये ए बी सी होता है तुम्हें पता है ना कार में ए बी सी होता है ये पता है कि नहीं पता है कार में ए बी सी होता है ए कहां से स्टार्ट होता है ए फॉर एक्सेलरेटर बी फॉर ब्रेक सी फॉर क्लच ये पता है कि नहीं पता है ए बी सी ए फॉर एक्सेलरेशन एक्सेरेटर जो होता है बी फॉर ब्रेक सी फॉर क्लच तो चिंटू ने क्लच लिया देखो ये क्लच एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच तो माई डियर फ्रेंड डोर खोलने से स्टार्ट होता है एबीसी ठीक है अब देखो ध्यान से अब देखो गियर शिफ्ट करना था चिंटू को क्लच दबा के ही गियर शिफ्ट करेगा चिंटू तुम ध्यान से देखना चिंटू क्लच पे पैर रखेगा देन गियर शिफ्ट होगा अब देखो ध्यान से देखो चिंटू ने पैर दबाया क्लच पे और गियर शिफ्ट बिना क्लच पे पैर दबाए गियर शिफ्ट करोगे कह रहा दिक्कत हो जाएगा गाड़ी खराब हो जाए उसकी लाइफ तुम तोड़ दोगे ठीक है ना इसलिए क्लच दबा के नौ वाली हरकतें मत करो नौ सिखिया लोग यही करते हैं नए नए जो सीखे होते हैं आराम से जाते हैं बिना क्लच दबाए घुमा देते हैं जाओ अच्छा अब देखो जैसे हमारा इंजन मस्त मोशन कर रहा है ठीक है ना इंजन हमारा मस्त मोशन कर रहा है आपको तो पता ही है इंजन मस्त ऐसे मोशन कर रहा है देखो ये इंजन है ये हमारा ट्रांसमिशन डिवाइस जिसको हम कहते हैं गियर बॉक्स और यहां से प्रोपेलर साफ्ट आया पीछे लगा है डिफरेंशियल यही तो मैं बोल रहा था अभी मैं अभी मैं यही तो बोल रहा था E सी बीच में होता है और ये जी है <coughs> थोड़ा सा अब यहां से देखना अभी मैं आपको ई दिखाता हूं पूरी ऑटोमोबाइल देख लो एक बार <coughs> पूरा ऑटोमोबाइल देखो एक बार ये इंजन है ये वाला पार्ट E और यहां लगा है क्लच सी और ये है जी गियर बॉक्स देन ये प्रोपेलर साफ ये डिफरेंशियल और यहां से सारा मोशन पावर ट्रांसमिट हो रहा है क्लियर तो ईसीजी रिपोर्ट जो निकला है यू कैन सी दिस दिस इज द प्रोपेलर साफ्ट यू कैन सी दिस अब हम यहां आते हैं ये हमारा क्या हो गया इधर क्लच देखो देखो अब मैं इसका रिपोर्ट आपको दिखाता हूं ये है क्लच और ये हमारा गियर बॉक्स अब क्लच की थोड़ी चर्चा करते हैं यू कैन सी दिस क्लच जो है मेरे भाई क्लच जो है मेरे भाई क्लच में ना बहुत सारे अरेंजमेंट है देखो क्लच से पावर ट्रांसमिट होता है मैं क्लच के अरेंजमेंट अलग से पढ़ाऊंगा वेट पहले क्लच लगा कहां ये तो देख लो अब इसके ऊपर एक डायाप्राम स्प्रिंग आता है बिल्कुल देखो गियर यहां शिफ्ट किया क्लच प्लेट दबाओ ये रुकेगा या गियर शिफ्ट किया पावर ट्रांसमिट करो खत्म का समझ में आए बात क्लच प्लेट के ऊपर एक डायाप्राम स्प्रिंग होता है अच्छा क्लच डिसेज कैसे होता है मतलब ये आपने कभी सोचा आपने एक इंसान की ऐसी बनाई हुई तरकीब देखी क्या सर किसी चीज को दबाने से वो अलग होता है थिंक अबाउट दिस अपने दो हाथ लो इसको ऐसे दबाओ क्या ये अलग हो जाएंगे दबाने से वो डिसेज होता है कभी सोचा ये इंसान का ये दिमाग था इसने क्या क्या का काम किया अभी मैं आपको दिखाता हूं क्लच के बारे में सारी बातें पहले आप जरा सोचो थोड़ा सोचो बड़ा किसी चीज को दबाने से वो डिसेज होता है अबाउट दिस थिंक अबाउट दिस किसी चीज को प्रेस करने से वो डिसेज हो रहा है हाउ कैन दिस पॉसिबल आपको दिखाता हूं ये possible कैसे हुआ पावर ट्रांसमिशन आगे तरफ हो रहा है क्लच में ना यह चार स्प्रिंग लगी होती है एक दो तीन चार क्लच प्लेट के ऊपर एक दो तीन चार यह चार स्प्रिंग लगी होती है जानते क्यों क्यों सर देखो यह हमारा मेन साफ्ट थोड़ा स्पेज यह मेन साफ्ट अच्छा अब मैं अगर इन दोनों में बात करूं थोड़ा सा जूम करता हूं दिस इज वन दिस इज टू अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो मेरे बच्चे भी ये बताओ क्लच दवाने के बाद कौन सा मूवेबल होगा कौन सा रुकेगा कॉमन सेंस दिमाग लगाओ सर क्लच दबाने के बाद दोनों डिसंगेज होगा ये वाला हमेशा मूवेबल होगा वन ऑलवेज मूवेबल टू रुकेगा फिर ये क्या होगा ये शिफ्ट करेगा फिर उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा दोनों घूमेगा दैट मीन्स दैट मीन्स दिस इज ड्राइवर दिस इज ड्रीवन इसका मतलब मैं ड्राइवर और ड्रीवन वर्ड यूज करूंगा जी सर बिल्कुल करूंगा तो ड्राइवर साफ्ट और ड्रीवन साफ्ट यूज करूंगा बिल्कुल करूंगा तो मेरे प्यारे भाई ड्राइवर वाला साहब जिसको मेन साफ्ट कह रहे हैं वो ड्रीवन वाले साहब से क्या होता है एंगेज और डिस करता है जी सर बिल्कुल करता है डियर no. फ्रेंड ये चार स्प्रिंग स्प्रिंग क्यों लगा होता है मैंने जो आपको ये चार स्प्रिंग दिखाया एक बार और देख लो ध्यान से ठीक है ना चल जा भाई हाँ चल गया देखो किसी चीज को दबाने से कैसे डिसंगेज होता है अभी दिखेगा अभी समझ में आ जाएगा सब अभी सब समझ में आ जाएगा तुम एक एक चीज समझाऊंगा थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ चीजें समझाऊंगा हाँ 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 यू कैन सी दिस ध्यान से देखना यहां चार स्प्रिंग लगी होगी चार ब्लू कलर का स्प्रिंग तुम्हें थोड़ी देर में दिखेगा वो चार स्प्रिंग लगा क्यों था उसका सबसे बड़ा रीजन अच्छा इसको स्प्रिंग कहते हैं ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो आप ये वाला ठीक है अभी तुम्हें चार स्प्रिंग देखेगा चार स्प्रिंग क्यों लगा होता बेटा उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है पता है गाड़ी में जो जर्क नहीं आता ना ये चार स्प्रिंग इसी कारण लगा होता है जर्क नहीं आता ठीक है ये चार स्प्रिंग होता क्या है कि ये वाला मूवेबल है ये आपका स्टैटिक हो जाता है जब क्लच लेते हैं जब क्लच छोड़ते हैं तो आपके पापा जी ने ये सिखाया होगा जब बाइक चलाना सिखा रहे होंगे चाहे बड़े भाई ने ये सिखाया होगा जब क्लच छोड़ना तो धीरे धीरे छोड़ना एक साथ मत छोड़ना क्यों क्लच छोड़ना तो धीरे धीरे छोड़ना एक साथ छोड़ेगा स्टैटिक पार्ट मूवेबल पार्ट में चिपक जाएगी धीरे धीरे छोड़ेगा धीरे धीरे जाएगी धीरे धीरे जाएगी धीरे धीरे जाएगी कहते हैं ना क्लच एक साथ मत छोड़ना धीरे धीरे क्लच छोड़ना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जल्दी बताओ मेरे को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मैं। स्प्रिंग क्यों लगाते हैं? यार एक बताओ। ये वाला, हो गया। वाला है ये वाला मोवेबल है, ना? ये वाला ये वाला है। अब मैं कह रहा हूं ये स्टेटिक पार्ट इस मूवेबल पार्ट में जाएगा जब चपकेगा तो कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन होगा सिस्टम में जी सर तो ये कुछ ना कुछ वाइब्रेशन को हाथ देख लो ना मेरा कैसे कैसे हो ये कुछ ना कुछ वाइब्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा आपको पता है ना वाइब्रेशन को जब वाइब्रेशन पढ़ाया मैंने तो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या क्या दिया आपको मास दिया आपको स्प्रिंग दिया दिया कि नहीं दिया आपको डैम्पर दिया दिया कि नहीं दिया? दिया ना तो भाई वाइब्रेशन को कौन कंट्रोल करता है हेलिकल स्प्रिंग जो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके सबको कंट्रोल कर देता है यही तो होता है जी सर होता है स्प्रिंग मास डैम्पर यही सब तो होता है वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए जी सर एब्जॉर्बर जो हम लोग गाड़ी में चक्का जो व्हील होता है व्हील के बगल में जो हम लोग सस्पेंशन बार लगाते हैं उसमें तो डैम्पर लगा होता है ना आपको तो पता ही है बाइक में भी आगे डैम्पर लगा होता है देखा है ना आपने स्लाइडर बाइक के पहले चक्के पे और रॉड जो आता है इसे जब पकड़ते हो वहां डैम्पर लगा होता है वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए अपन स्प्रिंग और डैम्पर ये जो दो चीज है ना बहुत जरूरी है मास तो हमारे पास है ही इतना सारा ठीक है ना स्प्रिंग और डैम्पर तो भाई मेरे यहाँ क्यों लगा है बिल्कुल मोनो सस्पेंशन आप कह सकते हो स्प्रिंग क्यों लगा है ताकि हम अपना वाइब्रेशन कंट्रोल कर सके मेरे बच्चे ध्यान से देखो तो यहाँ स्प्रिंग लगने का यह मतलब था ठीक है ना तो यहाँ का स्प्रिंग लगने का यह मतलब है अच्छा एक सेकेंड नेक्स्ट बेटा ये आप देख रहे हो ये वाला प्लेट ग्रे कलर का ये प्लेट जिसके ऊपर ये ऐसे से ये ये प्लेट दिस प्लेट इज डाया स्प्रिंग बेटा ये भी एक स्प्रिंग है क्या हाँ ये एक स्प्रिंग है ये डायाप्राम स्प्रिंग कुछ ऐसे होता है ठीक ना आपने सिंघम मूवी देखी है सिंघम कहते हैं ना सिंघम तो दिस इज व्हाट दिस इज डाया स्प्रिंग लाइक एज दिस ये क्या होता है सर बेटा देखो डाया स्प्रिंग को ना ऐसे रखते हैं जब आप इसको ना एक्सुअली अंदर की ओर धक्का दोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा क्या बात कर रहे हो हाँ देखो अभी इंगेज है अभी इंगेज किया है जी सर एंगेज किया है प्रेशर लगा के रखा है जब तुम क्लच दबाओगे तो तुम इधर से फोर्स दोगे ये क्या हो गया सर ये तो डिसंगेज हो गया दबाने पे क्लच दबाने पे डिस होता है ध्यान रखिएगा डायाप्राम स्प्रिंग का बहुत बड़ा रोल है ध्यान रखना अभी तुम्हें दिखाया जाएगा देखो ध्यान से अभी देखना यहां दिखाएगा बताया जाएगा जब तुम इधर से फोर्स लगाए देखो दबाए यहां से आगे आगे देखे ध्यान से देखे कि नहीं देखे जब तुम ऐसे फोर्स लगाए एक बार और देखो देखो जब तुम ऐसे फोर्स लगाए यहां से लगाओगे ये आगे आ जाएगा यहां भी देखना लगेगा ये आगे देखे जब तुम अंदर की ओर फोर्स लगाओगे वो बाहर आ जाएगा इसलिए ऐसे बना होता है एज लाइक सिंगम ठीक है ना समझे रोहित डैम्पर का काम बेटा आप ये हम वाइब्रेशन नहीं पढ़ाने आए हैं बट डैम्पर का काम होता है जो आपका एनर्जी जो होता है उसको स्टोर करता है ताकि आपका सस्पेंशन गाड़ी में वाइब्रेशन ज्यादा ना रहे ठीक ना वो यहां थोड़ी लगा होता है डैम्पर ये ये जो है आपका यू कैन सी दिस दिस इज ऑल्सो ए स्प्रिंग स्प्रिंग यू कैन सी दिस देखो ध्यान से देन इसके बाद ये गाड़ी यहां से देखो यहां हम लोग क्लच दबाए यहां से फ्लूड फ्लो किया इस पाइप के थ्रू गया इसने इसको इधर धक्का मारा और क्लच अंदर की ओर दब गया देट इट ये स्प्रिंग क्या करती है हमारी वाइब्रेशन कंट्रोल करती है यू कैन सी दिस देखो जब तुम अंदर की ओर फोर्स लगाओगे ठीक है ना इसको हम फलक्रम रिंग जो बोल रहे हैं हम लोग वो हम लोग दबाते हैं यू कैन सी दिस देखो ग्रीन कलर का प्लेट आ गया अच्छा ये ग्रीन कलर क्या था ये ग्रीन कलर क्या था सर ये ग्रीन कलर जो होता है ये छोटे छोटे मैं थोड़ा सा इधर लाता यहां आप लोग थोड़ा फोकस करो जरा इसको ओपन किया देखो ये ग्रीन कलर के ये टुकड़े दिख रहे हैं आपको ऐसे एक प्लेट में पांच चार या पांच टुकड़े होते हैं इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जी सर ये मेटेलिक पीस होता है ये होता क्या है सर ये प्रेशर लगाने के काम में आते हैं मेटेलिक पीस होता है जो कि प्रेशर लगाने के काम में आते हैं समझ गए बात तो मेटेलिक पीस है जो प्रेशर लगाने के काम में आता है बात समझा ठीक है ना अच्छा ये ब्लैक कलर वाला अंदर देख रहे हो ये क्या है सर दिस इज अ प्रेशर प्लेट ये ब्लैक वाला दिस इज प्रेशर प्लेट इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर प्लेट ठीक है ना प्रेशर प्लेट है जो अंदर की ओर इसको दबा रहा है बात समझ में आया ठीक है ना ठीक है ना उसको प्रेस करने के लिए काम में आया ठीक है सर तो देखो पीछे से एक धक्का दे रहा है मतलब बाहुबली आगे है प्रेशर प्लेट आगे है, पीछे से उसको कटप्पा धक्का दे रहा है सो दिस इज लाइक एज ये हमारा टुकड़ा जो है ना इस, इसको धक्का दे रहा है और ये आगे पीछे कर रहा है काम लाइक एज अ प्लेट प्रेशर प्लेट की तरह होता है Getting my point, इतना बात बताओ। समझ में आई बात ठीक है ना समझ में आई कि नहीं आई सो दिस इज वॉट दिस इज वो हमारा था याद रखना ये हमारा डायाफ्राम स्प्रिंग ध्यान रखिएगा ठीक है ना और ये इसके ऊपर एक फलक्रम रिंग होता है जिसे हम लोग धक्का देते हैं यू कैन सी दिस क्लियर तो क्लच के अंदर भी बहुत सारे क्लच हैं सर सिंगल प्लेट क्लच मल्टी प्लेट क्लच ड्राई क्लच वेट क्लच सर ये क्या होता है थोड़ा बताओगे आएंगे ना बताएंगे ना क्या परेशान तुम लोग पहले ये बताओ तुम लोग को ये समझ में आ गया तो फिर मैं उस पर चल लू तुम लोग को ये समझ में आ गया तो फिर मैं उस पर चल लू ये आया समझ में अभी मैं कल एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी ठीक है ना अभी मैं कुछ चीजें और क्लियर करना चाहता हूँ ठीक है ना कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से देखो देखो क्लच क्लच जो है आपका दो टाइप का था एक था आपका जॉ क्लच एक था आपका प्लेट क्लच ठीक है दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव चौकलस भी कई टाइप का है ठीक है ना स्क्वायर हेक्स आपका सौ क्लाच सौ बहुत सारा क्लच है बेटा ठीक है ना अपना जो है अपना काम जो है इस पे नहीं है अपना काम है मेन ये देखो ये इसको इसको ध्यान नहीं देना अपना जो सिलेबस है वो है प्लेट क्लच क्योंकि प्लेट क्लच ही हम लोग यूज करते हैं देखो प्लेट क्लच भी कई टाइप का है बट मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है सिंगल प्लेट क्लच तो मैं अभी वही लिख रहा हूं एक मैं जा रहा हूं बताने मल्टी प्लेट क्लच आपने सुना होगा इसके बारे में ठीक है ना कई सारे बच्चे इतना डीप में नहीं जानते होंगे सिंगल प्लेट क्लच इसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं ड्राई क्लच मल्टीप्लेज क्लच जिसको हम लोग कहते हैं वेट क्लच मीनिंग ऑफ ड्राई क्लच सर वेट और ड्राई में क्या होता है हाँ सही बात एक किसने लिखा गुडमैन ने लिखा ना बहुत अच्छी बात देखो वेट क्लच में लुब्रिकेशन होता है सही बात लुब्रिकेशन इज प्रेजेंट एंड इसके अंदर लुब्रिकेशन प्रेजेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस लुक एट दिस द ब्यूटीफुल लाइन सर सिंगल प्लेट क्लच कहां यूज होता है क्या होता है मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है कहां यूज होता है ड्राई क्यों कहते हैं वेट क्यों कहते हैं क्या रीजन है वहीं क्यों यूज होता है ये सारी चीजें ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब होता है अच्छा अगर आप लगाओगे जॉ क्लच तो पॉजिटिव वर्ड का मतलब है कि आपने आपने पॉजिटिव और नेगेटिव ड्राइव सुना है पॉजिटिव ड्राइव का मतलब होता है हंड्रेड परसेंट पावर ट्रांसमिट और नेगेटिव का मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा प्लेट क्लच में इतना लॉस नहीं होता बट चांसेस ऑफ लॉसेस होती हैं इसीलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं ठीक है दिस इज पॉजिटिव Why? Because इसके अंदर पावर ट्रांसमिशन पूरा हंड्रेड परसेंट होता है पॉजिटिव और यहां थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना होती है ठीक है ना अब देखो थोड़ा <coughs> समझो अच्छा बेटा सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट का क्या मतलब तुम क्या सोच रहे हो क्या सोच रहे हो तुम्हारे सोचने में क्या आया कि सिंगल प्लेट का मतलब क्या होगा सिंगल प्लेट का मतलब एक प्लेट होगा जी सर अब मल्टी प्लेट का मतलब कई सारा प्लेट होगा एक प्लेट हो गया दूसरा प्लेट हो गया फिर तीसरा हो गया चौथा हो गया एज लाइक स्प्रिंग जैसा ठीक ना मतलब मल्टी प्लेट में कई सारे प्लेट प्लेट आ जाएंगे एक साथ ठीक है ना अब मल्टी प्लेट क्लच में अब देखो एक प्लेट ये हो गया ना, एक प्लेट दो प्लेट तीन प्लेट चार प्लेट अगर मैं इसको थ्री व्यू में दिखाऊं तो ये ऐसे होंगे एक दो तीन चार क्या हो गया पता नहीं जितना भी नंबर होगा उतना तो मल्टी प्लेट क्लच एज लाइक आपको स्प्रिंग की तरह दिख रहा है क्यों सर अरे यार तुम खुद देखो एक प्लेट ये दूसरा प्लेट ये तीसरा प्लेट ये चौथा प्लेट ये एज लाइक स्प्रिंग की तरह दिख रहा है बोलो हा या ना एज लाइक स्प्रिंग की तरह दिख रहा है हा या ना ठीक है ना आप समझो हा एक पेयर ऑफ प्लेट होता है बेटा वेट 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 ठीक आप समझो मेरी बात थोड़ा समझो एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरा जुगाड़ है ये मेरा जुगाड़ है इसलिए मैंने बनाया है ये ट्रिक है जिससे आपको दिमाग में बैठेगा कुछ अच्छा आप समझो सस्पेंशन की तरह वर्क दिख रहा है मुझे किसका मल्टी प्लेट का कई सारे प्लेट है एक प्लेट दो प्लेट तीन प्लेट चार प्लेट कई सारे प्लेट हैं इनके बीच में क्या होता है एक हमारा मतलब सबके ऊपर क्या होता है स्प्रिंग बंधा होता है तो सस्पेंशन कुछ अच्छा दिखता है इन प्लेट क्लचेस के बीच में अच्छा सर इस सस्पेंशन वर्ड से देखो ज्यादा प्लेट होने के कारण ये स्प्रिंग की भांति हमें दिख रहा है तो सस्पेंशन जहां सस्पेंशन बहुत ज्यादा जरूरत होगी वहां मल्टीप्लेट क्लच लगाएंगे सिंगल प्लेट है यहां कितना यहां कोई नहीं यहां सस्पेंशन जहां सस्पेंशन कम जरूरत होगी वहां ये लगाएंगे मतलब अब मैं आपको देखो ट्रिक से समझाता हूं अच्छा आजकल के जो बच्चे हैं सभी बाइक चलाते हैं तो कोई ब्रेकर देखता है क्या नहीं देखता है बाइक पे अगर आप बैठे हो तो बहुत सारे लोग ब्रेकर नहीं देखते हैं उड़ा के भागते हैं कोई गड्ढा मिले चाहे कुछ मिले भागो बाइक पकड़े हैं भागो यही होता है ना तो मेरे भाई एक चीज बताओ सस्पेंशन कहां ज्यादा ज्यादा मतलब जरूरत कहां होती है सस्पेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बाइक में ठीक है है ना सस्पेंशन सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती बाइक में ठीक है ना बाइक क्या होती है बाइक पे हम लोग बैठे और देखा कहीं ब्रेकर आया चाहे कुछ आया उड़ाओ भागो निकलो तो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो सस्पेंशन का वर्क है वो सबसे ज्यादा कहां है भाई बाइक में अगर मैं बाइक में सिंगल प्लेट क्लच लगाऊ अगर मैं बाइक में सिंगल प्लेट क्लच लगाऊं तो बाइक में इतना ज्यादा सस्पेंशन इतना ज्यादा शॉक होगा इतना ज्यादा शॉक होगा प्लेट के ऊपर प्लेट टूट जाएगा अगर सिंगल प्लेट रहा तो वो टिक नहीं पाएगा सिंगल प्लेट रहा तो वो टिक नहीं पाएगा इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा वो प्लेट के ऊपर यहां भी प्लेट के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है लेकिन बहुत सारे प्लेट होने की वजह से बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट होने की वजह से वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्लेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट अगर वही सस्पेंशन मैं सिंगल प्लेट पे डाल दूं तो टूट जाएगा टूट जाएगा मेरे बच्चे ध्यान सुनो अच्छा आजकल तुमने ट्रक चालक को देखा होगा चलाते हुए ठीक ना ट्रक चालक जब आ, उसके ब्रेकर के ऊपर से जाते हैं तो क्या होता है बहुत स्लो कर लेते हैं ठीक ना फिर ब्रेकर के ऊपर ऐसे चढ़ते हैं फिर उतरते हैं फिर आगे भागते हैं ठीक ना अगर ब्रेकर आता है तो वो स्लो कर देते हैं ठीक ना समझने की कोशिश करिएगा बड़े बड़े जो वाहन होते हैं बड़े बड़े जो गाड़ियां होती है जो कार बस ट्रक ये सब जो चलते हैं ना तो वो सिंगल प्लेट पे चलते हैं क्यों क्योंकि वो सस्पेंशन ज्यादा नहीं झेलते हैं ठीक है ना उनका जो प्लेट है उनमें प्रेशर इनको सिंगल प्लेट लगा होता है वहां प्रेशर जो होता है ना वो प्रेशर इक्विप मात्रा में जाए हो ताकि क्लच पे दिक्कत ना पड़े क्लच पैडल पर इसीलिए वो लोग ऐसा काम करते हैं ठीक है ना और तुमने अगर देखा होगा कि कोई अगर दौड़ा रहा है कोई अगर दौड़ा रहा है और ब्रेकर के ऊपर से भी भगा कर लेकर जा रहा है होता है ठीक है ना होता है यहां भी कई सारे हम दिल्ली में रहते हैं हमने भी सफर किया है कई सारे बसेस का होता है वो लोग क्या काम करते हैं वो लोग वो लोग क्लच प्लेट पे पैर रख देते हैं ब्रेकर आगे देखते ही क्लच प्लेट पे पैर रखा गाड़ी को फ्री टू मूव कराया गाड़ी उछल जाए कोई दिक्कत ना है ठीक है ना और फिर आगे ले जाके छोड़ दिया अपना फिर गाड़ी भगाई बात समझने की कोशिश करो यहाँ तो यहां ये होता है सुनिएगा ध्यान से तो माई डियर फ्रेंड बाइक और ये क्या है हमारा बड़ा ये जो फोर व्हीलर जो हमारे बड़े बड़े बस ट्रक जो बड़ा बड़ा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स लाइट ड्यूटी व्हीकल्स ठीक है ना अब समझो मेरी बात बाइक के अंदर मल्टी प्लेट क्लच होता है जी सर अब एक प्लेट है फिर दूसरा प्लेट है फिर तीसरा फिर चौथा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लेट होने की वजह से नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया है जी सर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट अगर बढ़ गया तो हीट का भी जनरेशन बहुत ज्यादा होगा जी सर तो मेरे प्यारे भाई यहां नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ चुका है तो हीट का जनरेशन बहुत तगड़ा होगा नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ा है तो हीट का भी जनरेशन होगा जी सर तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट अगर बढ़ गया तो हीट का भी जनरेशन होगा अगर हीट का जनरेशन होगा अगर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया तो हीट का जनरेशन हीट का जनरेशन होगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा इसकी लाइफ बचाने के लिए लुब्रिकेंट अगर मुझे इस प्लेट की क्लच के प्लेट की लाइफ बचानी है तो बीच में क्या यूज करना पड़ेगा लुब्रिकेंट और यहां क्या है ये तो सिंगल प्लेट क्लच है इसमें एक पेयर है इसमें इतना लोड लग नहीं रहा सिंगल प्लेट क्लच में इतना प्रेशर लोड लग नहीं रहा नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है नहीं तो मेरे भाई यहां लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है यहां लुब्रिकेशन की कोई जरूरत नहीं है जहां लुब्रिकेशन की जरूरत है इसीलिए हम इसका नाम देते हैं वेट क्लच ठीक है ना जहां लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है इसका नाम देते हैं हम ड्राई क्लच थोड़ी बहुत बात समझ में आई तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज वेट क्लच तो कहना जहां लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है जिस क्लच में ऐसा क्लच हमारा मल्टीप्लेट क्लच होता है जहां नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है हीट जनरेशन का हीट जनरेशन ज्यादा हो सकता है ठीक है ना मल्टीप्लेट क्लच कहाँ लगा होता है यार मल्टीप्लेट है तो जाहिर सी बात है जहां ज्यादा सस्पेंशन हो रहा होगा जहां ज्यादा वाइब्रेशन जहां ज्यादा लोड आ रहा होगा जहां ज्यादा तरीके से वाइब्रेशन का इफेक्ट हो रहा होगा ठीक है ना वहां हम ज्यादातर मल्टीप्लेट क्लच लेके आते हैं अच्छा तो मल्टीप्लेट क्लच जो होती है अब एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया कि सर रेसिंग कार में मल्टीप्लेट क्लच लगा होता है क्या तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि रेसिंग कार जब वो दौड़ती है देखो दो तरीके की रेसिंग कार की बात कर रहा हूं पहला मैं फॉर्मूला आपका का रूट होता है उसका रास्ता होता है जिसपे दौड़ता है मेरे भाई उस रास्ते में कहीं ब्रेकर नहीं होता पहला पॉइंट ये ठीक है ना दूसरा अगर आन लो आप उस वाली रेसिंग कार की बात करो जो आपका उबड़ खाबड़ दौड़ते मिड़ते बहुत बहुत पहुंचो सारी होती होती है है दो तीन टाइप की रेसिंग उसमें सस्पेंशन खतरनाक रखा जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है ना और वहां हम लोग यूज करते हैं ऐसा नहीं है नहीं करते हैं करते हैं ठीक है ना एक हमारी वो कार होती है तुमने वो देखा होगा कि जिसमें बड़े बड़े चक्के होते हैं दिखाया गया होगा तुमने टीवी में देखा हो जिसमें बड़े बड़े चक्के होते हैं गाड़ियों के बड़े बड़े टायर्स होती हैं उनकी ठीक है ना तो वो रेसिंग कार नहीं होती है वो बस ऊपर ऊपर नीचे चलने के लिए होता है कि कौन पहुंच पाएगा अपने लक्ष्य तक ठीक है ना अगर ऐसा कुछ आपने देखा हो तो बता दो ठीक है ना यू कैन सी दिस तो ड्राई क्लच वेट क्लच को बहुत आसानी से तुम पकड़ सकते हो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स मैं यहां लिख देता एंड लाइट ड्यूटी ठीक ना हैवी ड्यूटी एंड लाइट ड्यूटी आई आशा करता हूं आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा वट इज सिंगल प्लेट वट इज मल्टी प्लेट आया है ठीक है अब देखो ये प्लेट जो है ना ये प्लेट वर्ड क्यों यहां रखा अरे भाई क्या है ये प्लेट वर्ड यहां क्यों रखा पता है क्यों ये प्लेट का मतलब है प्रेशर प्लेट अब तुम ये टॉपिक कहां पढ़ रहे हो सर मशीन डिजाइन में तुम ये टॉपिक कहां पढ़ रहे हो मशीन डिजाइन में तो मशीन डिजाइन में जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम इस प्रेशर प्लेट का क्या करोगे सर मैं प्रेशर प्लेट का क्या करूंगा प्रेशर प्लेट का डिजाइन करूंगा अच्छा तो फिर एक प्रोफेसर पूछा कि डिजाइन में क्या करोगे अब सुनो मेरी बात प्रेशर प्लेट का तुम क्या करोगे बेटा डिजाइन करोगे प्रेशर प्लेट का डिजाइन में तुम क्या करोगे क्या डिजाइन करोगे सुनो मेरी बात प्रेशर प्लेट पे जब प्रेशर लग रहा है तो कितना ज्यादा जैसे मैंने आपको क्या बताया सॉरी यहां मैंने आपको क्या बताया इस पे इस पे दोनों पे प्रेशर लगता है अगर मैं बाइक में ये लगा दूं तो इसमें इतना प्रेशर लगेगा कि ये टूट सकता है यह खराब हो सकता है सब कुछ हो सकता है मल्टीप्लेट क्लच जो होता है मेरे भाई मल्टीप्लेट कच में बहुत सारे ऐसे प्लेट्स हैं बहुत सारे ऐसे प्लेट हैं यू कैन सी दिस तो यहां हम लोड वेरिएशन कर सकते हैं, बट यहां नहीं सो तो प्रेशर पे एक लोड लगता है प्लेट के ऊपर एक इफेक्ट जाता है मेरे बच्चे ध्यान से ठीक है ना तो प्रेशर प्लेट पे तुम क्या डिजाइन करोगे प्रेशर प्लेट के ऊपर हम ये देखेंगे कि हमारा क्लच का प्लेट किस टॉर्क से मूव करेगा क्या बेटा टॉर्क अच्छा क्लच का प्लेट क्लच का प्लेट किस टॉर्क से मूव करेगा समझ गए बात अच्छा क्लच प्लेट बोले तो प्रेशर प्लेट जो होता है वो फ्रिक्शन प्लेट होता है प्रेशर प्लेट जो होता है वो क्या होता है फ्रिक्शन प्लेट होता है जी सर होता है सो मेरे प्यारे भाई ये टॉर्क कैसा होगा ये टॉर्क कैसा होगा सर ये टॉर्क होगा फ्रिक्शनल टॉर्क टीएफ क्या है फ्रिक्शनल टॉर्क ये टॉर्क कैसा होगा सर ये फ्रिक्शनल टॉर्क होगा समझ में आई बात तो माय डियर फ्रेंड मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लेट है ये प्लेट कैसा हो तो प्लेट होगा फ्रिक्शनल टॉर्क हम प्लेट के ऊपर क्या करेंगे बेटा डिजाइन में हम क्या सीखेंगे हम डिजाइन में फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल कर देखेंगे चाहे वो सिंगल प्लेट क्लच हो चाहे वो मल्टी प्लेट क्लच हो तो ये पूछा गया कि आप फ्रिक्शनल टॉर्क निकालने तो जा रहे हो तो कितने मेथड से निकालोगे तो क्लच प्लेट को डिजाइन करने के दो तरीके होते हैं एक होता है यूपीटी एक होता है यू ये दो टाइप की थ्योरी है जिससे आप क्लच प्लेट को बोले तो प्रेशर प्लेट को आप डिजाइन कर सकते हो ध्यान रखिएगा ठीक है ना क्या हुआ मशीन डिजाइन का सारा प्लेलिस्ट मैंने ऊपर करा दिया है ठीक तो है अब क्या कंफ्यूज हो रहे हो देखा भी है चार दिन से देखा भी है आप लोगों ने प्लेलिस्ट गेट क्रैकर आपने चार दिन से कोई प्लेलिस्ट खोल के देखा है एक बार एक बार देखो खुद समझ में आएगा चार दिन पहले ही मैंने आई थिंक सैटरडे फ्राइडे की नाइट ही मैंने ठीक करा दिया था फ्राइडे <coughs> की नाइट मैंने ठीक करा दिया था प्लेलिस्ट ओपन करके देखेंगे नहीं दो महीना पहले की प्लेलिस्ट देखेंगे और कमेंट करेंगे सर प्लेलिस्ट चेक ठीक करा दो बड़ी दिक्कत हो रही है <laughs> यूपीटी एक बार प्लेलिस्ट खोलकर देखे मैंने ठीक करवा दिया यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एक था यूनिफॉर्म वियर थ्योरी बेटा आप इन दोनों थ्योरी में इन दोनों थ्योरी में एक वर्ड देख रहे नाम है यूनिफॉर्म वर्ड क्यों आया सर हमारे इस प्रेशर प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर लगे इसलिए इस थ्योरी का नाम है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अच्छा वियर जो है किसी एक जगह से ना हो पॉइंट से कहीं जाकर वियर्ड ना हो जाए बॉडी टूट ना जाए या वहां कुछ ऐसा ना हो जाए इसलिए यूनिफॉर्म मात्रा में वियरिंग हो तो यूनिफॉर्म वियर जब आएगा ना तो लाइफ अपने आप बढ़ जाती है ठीक है ना अच्छा अगर आपसे कोई पूछता है, इन दोनों में से अच्छा कौन है सर इन दोनों में से अच्छा है so, friend, इस को ध्यान रखना है सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट अच्छा यहां मैंने सिंगल मल्टी नहीं लिखा मैं लिख देता हूं सिंगल मल्टी लिख देता हूं सिंगल प्लेट क्लच, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्लेट क्लच ठीक है ध्यान रखिएगा तो गाड़ी में ई सी जी हाँ बिल्कुल वियर थ्योरी ओल्ड थ्योरी है तो गाड़ी का ई सी जी हमेशा याद रखिएगा क्या होता है कैसे काम करता है अच्छा इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है थोड़ा मैं इधर लेकर चलता हूं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है यहां देखने को आपको मिलेगा ये जो आपका कनेक्शन हुआ है ठीक है ना यहां जो आपका कनेक्शन हुआ है क्लच प्लेट के ऊपर थोड़ा सा एक बार और यहां देखो देखना अभी यहां जो है आपका कनेक्शन एक दिखेगा देखो ये ये क्या है सर ये स्प्लाइन की है जब आपको साफ्ट की कपलिंग पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां लगाता है स्प्लाइन की स्प्लाइन की क्या होता है साफ्ट के ऊपर में ही एक कटिंग करते हैं टीथ के नुमा एक कटिंग करते हैं उसको फंसा देते हैं ठीक है ना दिस इज द एक्सेस ठीक है ना एक बार और हूं ध्यान से देखना साफ्ट के ऊपर में एक टीथ ऐसे ऐसे लाइन 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 कटा होगा ठीक है ना ये देखो ये देख रहे हो और यहां भी एक साफ ये देखो ठीक है ना वो होता है हमारा स्प्लाइन याद रखना स्प्लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं साफ्ट की कपलिंग पढ़ाऊंगा वहां मैं स्प्लाइन का नाम लूंगा और बोलूंगा कि क्लच में आपने स्प्लाइन देखा है इसलिए कह रहा हूं अभी दिखा देता हूं स्प्लाइन देख लो बाद में मत कहना नहीं दिखाया अच्छा ना अब जो कनेक्शन होता है उस पर स्प्लाइन होता है वो कटिंग होती है मेरे भाई अच्छा ये देखो स्प्लाइन ठीक है ना अच्छा सर एक चीज बताइए मैंने कहा क्या सर क्लच रोटेट करता है जी सर करता है आइए थोड़ा इस पे आते हैं एक बहुत ही पेचीदा सा क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है सर क्लच प्लेट रोटेट करता है बिल्कुल करता है सर क्लच प्लेट जब रोटेट करता है और क्लच प्लेट पे जब आप फोर्स लगाते हो जब रोटेट करता है और यहां जब फोर्स लगाते हो तो जाहिर सी बात है सर यहां एक बियरिंग होगा होगा ना बियरिंग भाई रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है बियरिंग तो लगा होगा साफ्ट के ऊपर ही थोड़ी ना रोटेट कर रहा होगा अरे भाई साफ्ट के ऊपर अगर हम गियर को भी चढ़ा रहे तो वहां कुछ तो लगाए होंगे कुछ तो किया होगा मेरे भाई तो मेरे भाई वहां हमने कुछ ना कुछ एक बियरिंग लगाया है जी हाँ सर तो हमने एक ऐसी बियरिंग लगाई है जिसमें हम एक्सीयल फोर्स लगाते हैं समझ रहे हो यहां मैंने एक ऐसी बियरिंग लगाई है जिसपे मैं एक्सीयल फोर्स दे रहा हूं क्लच में जो एक ऐसी बियरिंग होती है ऐसी अरे चेंटो की कार अभी तक है क्लच एक बियरिंग ऐसी है अब इस बियरिंग पे लोड कैसे लग रहा है एक्सिस पे किसी बियरिंग पे अगर एक्सिस पे लोड लगता है तो इसको हम कहते हैं एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग एक्सीयल थ्रस्ट बियरिंग ठीक है ना ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सीयल थ्रस्ट बियरिंग कहां लगा होता है सर क्लच प्लेट के ऊपर क्लच को रोटेट कराने के लिए उसके ऊपर एक बियरिंग का कनेक्शन किया जाता है जो कि होता है एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग सर एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग ऐसे समझे नहीं थोड़ा बताइए आपने ऑफिस चेयर देखी है ऑफिस चेयर एक तो घर में स्टूडेंट वाली चेयर होती है वो फिक्स होती है एक ऑफिस चेयर होती है जिसके ऊपर तुम खूब नाचते हो चारों तरफ बैठ के देखा कभी जी सर तो एक आपने देखा होगा भी तो मेरे यहां रखा हुआ है यहां से मैं कैसे उठा के दिखाऊंगा समझो मेरी बात तुम ऐसे ऊपर से बैठते हो तुम चेयर पे ऊपर से नीचे बैठते हो और रोटेट करते हो ऐसे लोड तुम्हारा एक्सिस पे है बियरिंग की एक्सिस पे लोड लगाते हो ऑफिस चेयर पे बैठ जाते हो ठीक ना। है ना सुनिए ध्यान से ऑफिस चेयर पे बैठ जाते हो और उसको क्या करते हो

अभी आप धीरे 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 पढ़ते जाओ कौन क्लच सेंट्रीफ्यूगल क्लच जिसको हम ऑटोमेटिक क्लच भी कहते हैं आज, आज तो तो आजकल स्कूटी में ऑटोमेटिक क्लच आता है पता है ना ये बात स्कूटी वगैरह में ऑटोमेटिक क्लच होता है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहते हैं वो भी आएगा वो भी पढ़ेंगे हम लोग हम लोग छोड़ेंगे नहीं कौन क्लच भी पढ़ेंगे अभी तो हमने बस एक सिंपल सा प्लेट क्लच दिखाया ठीक ना वैसे जानते हो एक चीज आपको बता दो ये जो आपने पढ़ा है ना मैंने डायरेक्ट प्लेट क्लच से बता दिया ये डिस्क क्लच होता है डिस्क क्लच के अंदर में तीन क्लच होता है ठीक है ना तब आता है प्लेट क्लच फोन क्लच आपका उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल क्लच ठीक है ना अभी वो आएगा अभी तो मैंने सिंपल प्लेट क्लच को डिफाइन किया है यहाँ टेंशन मत लो कल की क्लास से वो भी दिखेगा कौन क्लच हो सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो चाहे आगे चल के कोई भी क्लच हो मल्टीप्लेट क्लच क्यों ना हो सबका एनिमेशन आएगा एक एक क्लास एनिमेटेड होगी क्लस की क्लच की याद रखिएगा क्लच बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले का पूरा ट्रिक है मेरे पास पूरा जुगाड़ बना के रखा हुआ है डोंट टेक एनी टेंशन ठीक है ना इस चीज को ध्यान रखिएगा आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे डेली क्लासेस में ये चीज देखेंगे तीन से चार दिन में क्लच खत्म कर देंगे टेंशन मत लो विथ डेरिवेशन यूपीटी यूडब्ल्यूटी का डेरिवेशन खत्म हो जाएगा अपने यहां बिल्कुल टेंशन मत लो क्वेश्चन पूछा जाएगा बियरिंग पे सॉरी क्लच के ऊपर कौन सी बियरिंग लगी होती है तो बोलेंगे क्या एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग याद रखना ठीक है ना तो आशा करता हूं आपको आज की ये वाली सुंदर वाली क्लास समझ में आई ईसीजी रिपोर्ट समझ में आ गया, आ गया आपको फॉर इंजन सी फॉर क्लच एंड जी फॉर गियर बॉक्स समझ में आ गए एक बार थम्स कर दो जल्दी से जल्दी एक बार थम्स कर दो सारी के सारी क्लास आज डेप्थ में समझ में आए ना आज आपको एकदम डेप्थ में समझ में आए ना बस वो बताओ आया ना आप टेंशन मत लो मेरी हर क्लास डेप्थ में ही होती है आप बोलो मत ठीक है ना आपके बोलने का कोई वो नहीं है बेटा मैं बता रहा हूं आपको मिलेगा वही टेंशन मत लो इंजन क्लच गियर ठीक है ना ध्यान रखिएगा और मेरे प्यारे भाइयों आज शाम तीन बजे थ्री पी आज आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और मैं देखता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को हाई स्पीड में कर पाते हो कि नहीं ठीक है ना तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं मैं आज थ्री पी ध्यान रखना देन फोर थर्टी पी मैं आपके लिए ऊर्जा सीरीज के अंदर सोम के शानदार क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूं ध्यान से तो आज की क्लास आपके लिए सीरियसली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है थोड़ा तो कोशिश करना ध्यान से देखना थ्री पी एंड फोर थर्टी आना नहीं भूलना हैश डिजाइन मेरी जान बहुत अच्छे ठीक ना सब कुछ डेप्थ में समझ में आए ना तुम लोगों को क्लच कहां यूज करते हैं कैसे करते हैं सच सच बताओ चिंटू की ये गाड़ी चिंटू कैसे बबलू कहानी सुनाता है चिंटू कैसे जाता है ये क्लच कैसे दबाता है कैसे काम करता है ये सारी चीजें तुमको समझ में आई ना बस तुमको फील होना चाहिए देखो तुम्हें फील होने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं बस दैट्स इट तुम्हारा फीलिंग करेक्ट होना चाहिए मेरे बच्चे सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कर देना गाइस गाइस सेशन को लाइक कर देना क्लच प्लेट को डिस्क क्लच डिस्क भी कहते हैं ठीक है चलिए सो डियर यहां मैंने आपको ईसीजी के बारे में थोड़ा बहुत समझाया ठीक है ना और बार्क वाली क्लास 4:30 पीएम पी हमारी चलेगी और हाँ कल से फ्लूड मैकेनिक स्पेशल क्लास में डिटेल्ड ठीक है ना तो डेली आपका एक एक क्लास लूंगा उसमें तो आइएगा जरूर अभी फिलहाल अभी आप उसको जरूर देखिएगा तो बार्क वाला सीरीज जो है बेटा इसमें जरूर आना है देन इसके बाद मिशन डी वाले बैच में आप ज्वाइन हो जाओ रैंक इंप्रूवमेंट बैच इसके बाद आपके लिए एक्सिलेट आरोहन बैच आया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है गेट एंड डी कैटेगरी में जाकर हमें यहाँ ज्वाइन कर लेना है बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने का कोई भी प्लान हो ठीक है ना आप आलोक लाइफ कोड लगाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ याद रखना आइकॉनिक में भी आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो टेन परसेंट ऑफ होता है दो दिन का और ऑफर है बारह महीने पे दो महीने और चौबीस महीने पे चार महीने दो दिन का और ऑफर है आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आपको लेना है तो चौदह महीने और ट्वेंट्वी एट मंथ एंड फोर्टीन मंथ का ठीक है ना सो so, याद रखना आपको ईएमआई बेसिस पर दिस इज माय कोड ईएमआई बेसिस पर अगर आप लेते हो तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यहाँ आपको ऑफर मिल रहा है आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है याद रखना हैश डिजाइन मेरी जान है याद रखना इस चीज को हैश टैग लाइव है तो सब पॉसिबल है ठीक है अगर आप पढ़ोगे तो आपको एनिमेशन हर चीज दूंगा टेंशन मत लो पढ़ने तो आप पहले टाइम याद रखना सुबह साढ़े नौ बजे नाइन थर्टी नाइन थर्टी ए एम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ठीक ना जे आर्मिनल सेवन थर्टी पी एम ऑन स्पेशल क्लास साढ़े सात बजे दिस इज माई कोड डिस्काउंट कोड रेफरल कोड दैट इज आलोक वर एल डॉट कॉम स्लैश आलोक झा दिस इज माई टाइनिंग जहां आपको सारे लिंक वगैरह मिलेंगे एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाओ फटाफट एक बार ज्वाइन कर लो टी डॉट एम ई स्लैस आलोक लाइफ दिस इज द टेलीग्राम चैनल ठीक है ना ध्यान से देखो एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर मैंने सारा पढ़ाया है एक बार जाओ थ्योरीज ऑफ फेलियर जरूर पढ़ो इसी 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 प्ले में होगा एक शानदार प्ले है बहुत प्यारा क्लास दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा पढ़ने से एक बार देखो सही ठीक है अगर सेशन अच्छा लगा हो आप लोग एक बार हाँ या होम पेज पे ही मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया है होम पेज पर नीचे जाओ वहां आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा होम पेज पर नीचे जाओ वहां आपको सबसे पहला प्लेलिस्ट दिखाई देगा मशीन डिजाइन का होम पेज पर ही इसी यूट्यूब चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट सेक्शन सेक्शन मत जाओ होम पेज पर नीचे जाओ ठीक है ना और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है ना जो इस टेलीग्राम पे मैंने एक पीडीएफ डाला है जिसके अंदर सारे प्लेलिस्ट है मेरे लाइन से ठीक है ना आप उसको क्लिक करो सीधा आपको पीडीएफ संभाल के रख लेना बस समझ गए ना सो डोंट टेक एनी टेंशन आप हमारे साथ यहां जुड़ सकते हो अगर सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करना सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है ना चलो भाई मिलते हैं दिन में तीन बजे थ्री पी एम ऑन वर्चुअल कैलकुलेटर सेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट Most session, that is, मैंने आपका solve करना आसान कर दिया आना नहीं भूलना गाइश सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइश सो टाइ तब तक सभी को जय हिंद जय भारत